हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली सीईटी 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो में दिल्ली सीईटी 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ दिल्ली सीईटी 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर दिल्ली सीईटी 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं दिल्ली सीईटी 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही वहाँ पे आपको सर्च करना है दिल्ली सीईटी 2021 और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब गाइस, आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू आसानी से दिल्ली सीईटी के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसी के साथ गाइस, ये जो वेबसाइट है दिल्ली सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ भी डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, तो आपको सिंपली जो है इसे गूगल में सर्च कर लेना होगा। अब जैसे ही गाइस आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जो जहाँ पे आपको सबसे पहला जो रिजल्ट दिखा देगा गूगल में, वो सबसे पहले रिजल्ट जो आपको सिंपली क्लिक करके आपको उसे ओपन कर देना होगा। अब जैसे ही गाइस आप उसे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिल्ली सीईटी के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है जानने मिल जाएगी। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सीईटी का यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बता दी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता दिया गया है कि दिल्ली सीईटी जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है DTTE के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उसी के साथ ये सीईटी दिल्ली है बोलिया दिल्ली सीईटी एक ही बात है, तो ये सीईटी दिल्ली जो है ये स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। मीन्स उसका मेन मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट है उन्हें जो है पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में एडमिशन देना विद इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और वेरियस अलग अलग प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में। सो गाइस, अगर आप या आप में से किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी कैंडिडेट को दिल्ली के अंदर दिल्ली के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जो है पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के कोर्सेज के रिगार्डिंग एडमिशन चाहिए, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फार्मेसी के कोर्स स्ट्रीम में और कोई भी वेरियस प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली सीईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम उसे क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। उसी के बाद आपको दिल्ली में दिल्ली इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपको जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फार्मेसी और कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आइए अब और डिटेल में जानना शुरू करते हैं सीईटी दिल्ली के बारे में। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है, फिर उसके बाद आपको टाइप ऑफ एग्जाम बता दिया, यूजी और पीजी लेवल है, लेवल एग्जाम सेंट्रल बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, डिप्लोमा, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी यहाँ पे आपको हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस की थी DTTE, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली। फिर उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज होगा। उसी के साथ गाइस जो है ऑफलाइन मोड में आप लोगों का एग्जाम होगा OMR शीट पे। ड्यूरेशन की बात करें टोटल 2 hours 30 minutes में आपको 2 hours 30 minutes में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम अलॉट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे लिंक्स दिखा दे रही है, जो सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सिंपली उस टॉपिक के सामने दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में आप आसानी से जान सकते हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जिसकी, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3rd week of March में रिलीज हो जाएगा गाइस। यहाँ पे एडमिट कार्ड 3rd week of May में अवेलेबल हो जाएगा और मे के एंडिंग में आप लोगों का एग्जाम जो है दिल्ली सीईटी का वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो गाइस दिल्ली सीईटी 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा सावधानी अलर्ट्स आपको देने की जरूरत है एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि जब स्टूडेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो उनसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने, लेकिन उन्हें नहीं पता होता किस साइज में किस फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करना है, तो किसी भी साइज और किसी भी फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाता है और एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, क्योंकि हम आगे दिल्ली सीईटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा किस तरह से आप डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन कर सकते हैं, कितने साइज में स्कैन करना है, कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में स्टूडियो में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो गाइस एप्लीकेशन फ़ी आप जो डायरेक्टली जो है ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आप डायरेक्टली नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में आप डायरेक्टली जो है बैंक चलान क्रिएट करके ऑफलाइन मोड में आप डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी गाइस टोटल जो है 400 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको ये एग्जाम देने दिया नहीं जाएगा। सो गाइस इसके लिए आपको जो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे भी देखते हैं, आप लोगों को बता दें कि आप जो है 10th और 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ पास रहनी चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जूलॉजी ये सब्जेक्ट्स आपकी जो कंपलसरी 12th में रहनी चाहिए। परसेंटेज के रिगार्डिंग बता दें 45 मिनिमम परसेंटेज रहनी चाहिए, जो जनरल कास्ट के लिए उनके लिए जो रिजर्व कास्ट है उनके लिए 40% रहनी चाहिए। उसी तरह यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज के अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दो ही टाइप में, दो ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करा जाएगा और कोई भी लैंग्वेज में प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन के टोटल चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको सिंपली उस पर टिक कर देना होगा। टोटल आपको 2 hours 30 minutes जाएंगे। 2 hours 30 minutes में आपको पूरा पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइमिंग आपका अलॉट नहीं किया जाएगा। हर एक सही आंसर पे आपको 4 marks दिए जाएंगे और हर एक गलत आंसर पे आपका जो 1 marks जो है कम कर दिया जाएगा। अब बात करें सिलेबस की तो गाइस आप यहाँ पे जैसे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, आप फुल सिलेबस यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्टली इसके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में से लिंक के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे आकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस दिल्ली सीईटी 2021 का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, इनफैक्ट आप लोगों को एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए कैसे आप लोगों को अपना जो एडमिट कार्ड उसे अच्छी तरह से डाउनलोड कर लेना, उसके 3 से 4 प्रिंटआउट अपने पास संभाल के रखने होंगे। एडमिट कार्ड में और भी बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराए हुए रहेगा, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, एग्जाम सेंटर का एड्रेस, एग्जाम सेंटर का टाइमिंग रहेगा और भी बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को एडमिट कार्ड में दी हुई रहती है। और गाइस एडमिट कार्ड के साथ आपको जो अपने एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे रिजल्ट के बारे में। सो गाइस दिल्ली सीईटी 2021 का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है लोगों में चेक करने, पर जब वो चेक करने आते तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन सी लिंक से चेक करने, उसकी ऑफिशियल लिंक कौन सी है, और वो बरोबर टाइम पे रिजल्ट चेक नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना होगा, ताकि जैसे ही आगे दिल्ली सीईटी 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ आपको वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा किस तरह से अपना जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको रिजल्ट चेक करने की ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो गाइस मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो के माध्यम से, आई होप कि अभी आपको इस वीडियो देखने के बाद दिल्ली सीईटी 2021 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो और कोई डिटेल्स आपको जाने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।